दिक्कत नहीं आती, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बाकी जैसे कोई बेस किया हो मेंटेनेंस फ्री बैटरी का, पहले मेंटेनेंस फ्री बैटरी से शुरू करते हैं। मेंटेनेंस फ्री बैटरी का और किसी को एक्सपीरियंस किसी का बढ़िया है, सब फर्स्ट क्लास लाइफ। कभी ऐसा हुआ हो कि आपको वोल्टेज पूरा दिखा रहा हो, आपको 53 वोल्ट दिखा रहा हो, आप जब भी आप चेक करते हैं और चलते चलते ऑल ऑफ सडन फेल हो जाए एक्सचेंज या बाकी वो सीक्वेंट जो भी लगे हैं, कभी ऐसा हुआ है बंद हो जाए या अपने आप रिमूव हो जाए, ऐसा किसी के पास एक्सपीरियंस है? क्यों होता है? तो कैसे पता लगता है उसको बैटरी खराब होने वाली है? आपको सारी बैटरी जब आप डिस्चार्ज करोगे आधा घंटा एक घंटा सारी बैटरी 2.1 दिखाएगी, ठीक है, इससे नीचे नहीं आएगी। बहुत रेयर केस होगा कोई 2 वोल्ट आ जाएगा रेयर केस में, सब 2.1 रहेगी। जब आप चार्ज करेंगे तो सारी बैटरी 2.3 नहीं होगी 2.2 आएगी, ठीक है। अब बताइए आप इसमें से कैसे कहेंगे बैटरी खराब है? अपन जनरली हमको क्या बताया गया, सबको बताया गया कि नीचे अगर 1.85 से नीचे सेल आपको निकले खराब तो करते हैं, जब 1.85 से नीचे अगर डिस्चार्ज होता है टेस्ट तभी तभी सेल खराब मानते हैं। 1.85 से नीचे हो गया तो डीप डिस्चार्ज, अभी 1.85 वोल्टेज आया ही नहीं है, आपको मैं कह रहा हूँ 2.1 वोल्ट या 2 वोल्ट से नीचे नहीं जाता फिर बैटरी फेल हो जाती है, तब कैसे पता करेंगे बैटरी मेरी खराब हो रही है? सभी जगह फ्लोट में चलती है या कहीं इंडिपेंडेंट फ्लोट पे भी चलती है? नहीं ना, सब जगह फ्लोट पे ही है। जब आप फ्लोट पे चलाते हैं कभी भी बैटरी आप जब नहीं रहती बैटरी आइडियल लाइफ जो उसमें चलती कहती 4 साल ही है 4 ईयर्स। रेलवे में 4 ईयर्स में रिप्लेस कहीं बैटरी होती नहीं है, किसी के पास नहीं होती है, जबकि वो मेंटेनेंस फ्री बैटरी का 4 ईयर ही बोलता है। जो मैनुअल उसका लिख के बोलता है, मैनुअल आपको लिख के बोलेगा 16 ईयर्स। उसके लिए लिखता है 27 से 37 तो बैटरी की लाइफ आपकी जो 16 साल है वो घट के 8 साल आ जाएगी, और 37 से फिर अगर 47 टेम्परेचर हुआ 47 तो बैटरी 4 साल लग जाएगी। हाँ, ऐसे बैटरी की लाइफ घटती तो हमारे यहाँ क्योंकि इंडिया में जनरली कहीं भी जा लो ओवरऑल 40 डिग्री तो रहता ही है एवरेज टेम्परेचर। इसके लिए 40 डिग्री में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 नहीं तो 6 साल आएगी लाइफ, 5 या 6 साल आएगी। तो हम रेलवे ने बोला है 4 साल लाइफ के बाद उसको चेंज कर देना है। जब नया नया लगाते हैं बैटरी तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1 साल 2 साल बाद में कभी भी आती है। तो सबसे पहले जब आपका फ्लोट चार्जर कनेक्ट है तो फ्लोट चार्जर एक सिंगल सेल का वोल्टेज ले लीजिए आप, सभी सेल का जब आप वोल्टेज लेते हैं तो नीचे में कोई भी सेल का वोल्टेज 2.0 से या 1.9 से नीचे नहीं जाना चाहिए कभी भी। अगर जा रहा है तो वो सेल पर नज़र रखिए, हिसाब करिए 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी जिस हिसाब करना है 2 घंटा 3 घंटा भी आपको लाइफ से करिए तो 8 घंटा 10 घंटा भी रिसर्च करिए, आपके बैटरी का लोड कैसा है, कितना है, कितने एसी कैपेसिटी की बैटरी है, पहली बार। सेकंड, जब आप उसको चार्ज करेंगे तो सबके पास HVDC लगा होगा या अपना SMRGS चार्जर, सब जहाँ भी मेंटेनेंस फ्री बैटरी SMRGS चार्जर होगा। SMRGS चार्जर जब भी होगा जब आप ऑन करेंगे बैटरी को तो ऑन करते ही वो 2 या 3 मिनट के बाद में C/L जो उसका कैपेसिटी अगर 200 Ah की बैटरी है तो 20 एम्पियर, अगर 500 Ah की बैटरी है तो 50 एम्पियर करेंट लेगा, वो तुरंत 50 एम्पियर लेगा। अब कितनी देर आपने डिस्चार्ज की है ये उसके हिसाब से ग्रेजुअली धीरे धीरे डाउन होगा, 50 से 45 आएगा, 40 आएगा, 42 आएगा, फिर आइडियल।